भिंड से खबर है जहां पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा एक दिवसीय दौरे पर भिंड के लाहार क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र की हत्या की। वहीं राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कंप्यूटर बाबा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। संत समाज पूरा लोकतंत्र बचाव यात्रा निकाल रहे हैं और जिस ढंग से बहुमत की सरकार को 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, उसको जनमानस में हम बताना चाहते हैं। हम सभी संत समाज निकले हुए हैं, अभी जिले स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बाद चौपाल कार्यक्रम लोगों से संवाद करके ये जो गद्दार हैं 25 जो गद्दार हैं इनके यहाँ जा कर के जनता से बताएंगे कि इन्होंने आपकी वोट बेची, आपको बेचा और खुद बिक गए। और खरीदने वाले जो हैं शिवराज सरकार, आने वाले समय में उपचुनाव में सत्य धर्म और अधर्म की बात होगी। यदि शिवराज सरकार ने अधर्म किया है, इन विधायकों ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, ये जो गद्दारी की है, इन्होंने अधर्म किया है। अब जनता और धर्म रहेगा एक तरफ और एक तरफ रहेगी शिवराज सरकार, एक 24-25 गद्दार। वो आते ही वसूली के लिए, वसूली करने वाले पहले आ जाते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं। पिछली बार इन्होंने वो कहीं से पकड़ी थी मशीनें उठाई और उसके बाद उनका एक आदमी आया और अधिकारियों से पैसे मांग रहा। उनका काम तो दलाली का, पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी दिग्विजय सिंह का मन भरा नहीं चला। उन्होंने दलाल अपने छोड़ रखे पूरे मध्य प्रदेश में, उन्हीं में से एक ये कंप्यूटर बाबा, उसका धंधा यही है दलाली का।